नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है। भारत के द्वारा अभी तक एक मेडल प्राप्त किया गया है। कई सारी चीजों पे आज बात करनी है। पहले टोक्यो ओलंपिक की कुछ बातें आपको बता देते हैं, उसके बाद उन चीजों पे बात की जाए जिसको लेकर हमें हमारे देश को मंथन करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब वो सत्ता के ऊपर ये आरोप लगाती थी कि सत्ता में बैठे लोग खेल को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, वो खिलाड़ियों की जो व्यवस्था होती है उसको करने में नाकाम रह रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो बातें बहुत अच्छी हैं। उन बातों का सच में अनुसरण होना चाहिए। महज वो वीडियो 2013 का है, तब वो सत्ता से बाहर थे। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया जाता, और जब एक या दो मेडल किसी भी तरीके से करके हमारे खिलाड़ी जीत कर लाते हैं तो उन्हें छाती पर लग के पीटा जाता है। इन बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं 2013 में। लेकिन जब वो सत्ता में आ गए तब वो क्या कर रहे हैं? तब क्या उन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई अच्छा कदम उठाया जिससे सच में खेल को बढ़ावा दिया जा सके? इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और आखिरकार इस देश में खिलाड़ियों की हालत क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है, उन चीजों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वीडियो देखिए। वीडियो में किन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं और कैसे सत्ता में आने के बाद उन सभी बातों को वो भुला दिए, वीडियो देखिए आप लोग। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, दिखना देश ये कहेगा। मैं सवाल ठीक है, स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7-10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पड़क के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। ये तो हो गई सत्ता के बाहर रहने की बात। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तब क्या करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? उन चीजों का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक खबर आपको दिखाते हैं, अमर उजाला की खबर है। सब्जी बेचने को मजबूर हैं राष्ट्रीय खिलाड़ी, बॉक्सिंग और तीरंदाजी में नेशनल स्तर पर जीते हैं पदक। सोचिए, राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले व्यक्ति को हमारे देश में सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह हकीकत है प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया की। यह हकीकत है प्रधानमंत्री मोदी के उन वादों की जिन वादों में वो कहते थे हम आएंगे तो खेल का विकास करेंगे। वैसे तो वो हर चीज का विकास करने का वादा किए थे, लेकिन उनके आने के बाद हर चीज अस्त व्यस्त हो चुकी है। ये खबर है, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, ये खबर है 18 अगस्त 2020 की। हुआ कुछ यूं कि कोरोना महामारी के कारण सारे रोजगार ठप हो गए और इन खिलाड़ियों के जो पिताजी थे उनकी तबीयत खराब हो गई और इन खिलाड़ियों को मजबूर होकर सब्जी का ठेला लगाना पड़ा। ये दोनों भाई हैं और इनके पिता ने इन दोनों भाइयों को खेल के प्रति समर्पित कर दिया, लेकिन भारत के खेल ने इनको क्या दिया? सब्जी का ठेला।
ये कोई इकलौती खबर नहीं है, एक खबर और आपको दिखाते हैं, एक खबर और दिखाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था अभी, काफी चर्चित रहा वीडियो, और वीडियो को संज्ञान लेने के बाद कई सारे लोगों ने उस महिला की मदद भी की। खबर क्या है इसको देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप से नेशनल तक में जीता गोल्ड, अब नौकर का काम करने को मजबूर, राजनाथ भी दे चुके हैं मदद का भरोसा और सुनवाई नहीं है। ये जो खबर है, ये खबर ऐसी है जो प्रधानमंत्री मोदी के वादों को उजागर कर देती है, ये खबर ऐसी है जो प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया की हकीकत को उजागर कर देती है, ये ऐसी चौंकाने वाली खबर है जिसको सुनकर आप विचलित भी हो सकते हैं। एक महिला सुनीता देवी नाम है, पिछड़े वर्ग से आती हैं, उन्होंने चैंपियनशिप में नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक गोल्ड जीता है और उसके बावजूद भी उन्हें घर घर जाके मजदूरी करनी पड़ती है, बर्तन साफ करना पड़ता है, यह हकीकत है। इसकी मजबूरी क्या है इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि उनका जो परिवार है वो इतना सशक्त नहीं है कि खिलाड़ी के जो जरूरतमंद चीजें होती हैं उसको वो पूरा कर सके, तो उनको अपने खेल को बचाने के लिए, अपने परिवार वालों के लालन पालन के लिए लोगों के यहां जाकर मजदूरी करनी पड़ती है, लोगों के घर जाके बर्तन साफ करना पड़ता है। यह हमारे देश के खिलाड़ियों की हकीकत है। ऐसे बनेगा हमारा देश खेलो इंडिया? हमें तो नहीं लगता कि ऐसे हमारा देश खेलो इंडिया बढ़ पाएगा। ये खबर देखिए, कई खिलाड़ियों ने अपने खेल में देश का नाम रोशन तो किया है लेकिन बाद में गुमनामी में खो गए हैं। देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना भी उनके जीवन यापन में काम नहीं आ सकता। यह एक ऐसी लड़की के प्रति सरकार की उदासीनता का एक मामला है जिसे देश का नाम रोशन किया है। पिछड़ा वर्ग से आने वाली सुनीता का परिवार गरीब है, 2 जून की रोटी के लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। गरीबी का ये आलम है कि सुनीता को कई बार रोटी और मिर्ची खाकर रहना पड़ता है, इसके बावजूद अपनी फिटनेस और ताकत बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। वो अपने खेल का अभ्यास करने के लिए पेड़ों पर ईंटों का प्रयोग कर रही हैं और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाने वाले सुनीता के पिता एक मजदूर हैं, उनकी माँ दूसरों के घरों में काम करती हैं। माँ बेटी दोनों दूसरों के घर में जाके काम करती हैं और उनके बर्तन साफ करने का काम करती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी केवल वादा तो करते हैं कि हम देश को खेलो इंडिया बनाएंगे, देश को ऐसा बना देंगे कि सैकड़ों पदक आने लगेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमारे देश के वो खिलाड़ी जो पदक जीत कर बैठे हैं उनको भी 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही। एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद क्या खेल के लिए कुछ किया गया कि नहीं किया गया? जब इस सवाल के जवाब में आप जाएंगे तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सेंट्रल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली गई है मणिपुर में, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। लेकिन आप बताइए, 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, मात्र एक नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, क्या उससे हमारे देश में खेल को बढ़ावा दिया जा सकता है? यह सवाल खड़ा होता है। फिलहाल हमारे देश में खिलाड़ियों की जो हालत है बहुत अच्छी नहीं है, और इस चीज को सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि कैसे जब उनको मेडल मिलता है तब सराखों पर बैठाया जाता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा उनको पैसे दिए जाते हैं प्रोत्साहन के रूप में, लेकिन बाद में वो किसी गुमनामी के समंदर में गुम हो जाती हैं। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी